ओम बड़ा धाम से सीधा आप नजारा देख रहे हैं जहाँ आज खड़ग महायज्ञ का समापन होना है। आज सुबह से ही साधु संतों का आगमन होना शुरू हो गया। आपको बता दें कि पलीचा धाम में 21 दिवस से बाबा भैरवनाथ खड़ग यज्ञ का आयोजन हो रहा था और आज इसका समापन जो है आज होने वाला है। और बहुत ही ये सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट रहा है कि 100 वर्ष के बाद, एक दस पूरा युग बीतने के बाद ये महायज्ञ का आयोजन हुआ है। लगातार भक्त यहाँ देखने के लिए जागरूक है, क्या कुछ देख रहे हैं? जैसे कि आपने सुना होगा खड़ग यज्ञ हो रहा है, जो यत महाराणा भूपाल श्री महाराणा भूपाल सिंह जी ने किया था, ये 100 साल बाद आरपी सिंह जी आगवा कर रहे हैं ओम मना मंदिर। तो सभी भक्त पधार रहे हैं और आज भजन संध्या और प्रसादी वितरित का प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी भक्त पधार रहे हैं, हार्दिक बधाई शुभकामनाएं, जय श्री राम। धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से भक्तों का यहाँ खुशी देखी जा रही है। देखिए, ये ऐसा महायज्ञ कई वर्षों के बाद में हो रहा है और इसका लाभ सभी भक्तों को मिल रहा है, जितने भी यहाँ पे ओम मना परिसर में। और 21 दिन तक जो यहाँ के जो मुख्य गाड़ीपति जी हैं, उन्होंने 21 दिन तक खड़े रहकर तपस्या की है और आज इसका समापन हो रहा है, जिसमें कई प्रबुद्ध संत, गणमान्य पुरुष और हमारे जो महाराज साहब हैं वो भी अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पधार रहे हैं। तो ये इसका लाभ सभी को मिल रहा है। विश्वराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों का धन्यवाद जो भी पधार रहे हैं, सभी यहाँ पर आने वाले, सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाले सभी का धन्यवाद। और चलिए चलते हैं अंदर जहाँ महायज्ञ की आहुतियाँ सभी संत। तो पहले सबसे पहले ओम बन्नाथा के दर्शन हो रहे हैं। खड़ग महायज्ञ में देखिए बड़ी संख्या में सभी सनातनी पधार चुके हैं और प्रदीप जी हमारे बीच में आ चुके हैं। श्री ओम बना धाम बलीचा के 21 दिवसीय खड़ग महोत्सव तपस्या और यज्ञ के बीच में आज जो पूर्णावति में विभिन्न संतों का जो आशीर्वाद मिलेगा और उन संतों के निमित्त जो कार्यक्रम हो रहा है उसके अंतर्गत आज ये मैं समझता हूँ मेवाड़ के लिए एक बहुत बड़ा अनुपम कार्यक्रम है, जिसमें सभी मेवाड़ वासियों को इस स्थली से एक आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब मैं एक बार पुनः सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे आलोक संस्थान से प्रदीप जी कुमार साहब जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बसंती सिंह बंसेना, मैं उदयपुर से। आज भव्य कार्यक्रम हो रहा है अपने बलीचा धाम में। 21 दिवस से जो जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा था, आज उसका समापन है। आज यहाँ पे पूर्णावधि लगा गया, दिन में विशाल भंडारा शाम को 5 बजे से 8 बजे तक चलेगा और शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक भजन संध्या चलेगी और सभी इसका लाभ ले रहे, सभी भक्तगण साधु संत पधारे। जय श्री राम। सभी लोग पधारे और इसका उद्देश्य सभी लोग इसका लाभ लेवे, अधिक अधिक संख्या में पधार के इसका लाभ लेवे। और जय श्री राम। आज अपने इस महायज्ञ 21 दिवसीय महायज्ञ कुंडली यज्ञ में महाराज कुंवर विश्वराज सिंह जी और कवराणी सा महिमा कुमारी जी पधार रहे हैं। आप सभी उदयपुर वासियों को आदर सादर आमंत्रित है कि आप इस महायज्ञ कुंड में आप शाम पधारें और लाभ लेवें, क्योंकि ये जो यज्ञ हो रहा है ये बहुत ही पुण्य का काम है। इसमें विश्व का कल्याण, उदयपुर का कल्याण, विश्व का कल्याण, समाज के कल्याण के लिए इतना बड़ा ये यज्ञ हो रहा है। आप सभी उदयपुर वासी आज शाम को जागरण और प्रतिभोज प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया है बजरंग सेना मेवाड़ की तरफ से। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस महायज्ञ की आहुति में। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि आज ओम मना धाम में किस प्रकार से यहाँ जागृति और एक भक्ति माई आनंद का जो है वो आपके सामने परिदृश्य है। ओम मना धाम में लगातार 21 दिवसों को ये खड़ग महायज्ञ बाबा भैरवनाथ को समर्पित किया है और आज इसका पूर्ण आहुति देकर समापन जो है वो होना है और बड़ी संख्या में भक्त सभी आ गए हैं, सभी संत शिरोमणि हमारे बीच में आ गए हैं। चलिए संतों के बीच में हम चलते हैं।
सर्वेश्वराय सदा शिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पैर्भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दंतित्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्त्यखिलां अन्येस्तु किं कर्मभिः अन्येस्तु किं कर्मभिः हरणोः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जय श्री राम। जैसा कि आज 21 दिवसीय मौन व्रत एवं करीब करीब 3.5 लाख आहुतियों का पूर्ण जो कि 2 मार्च से 24 मार्च तक परम पूज्य श्री आरपीसी जी आकबा के द्वारा यह अनुष्ठान किया। इस अनुष्ठान के पावन अवसर पर उदयपुर के सभी संत समाज यहाँ पधारे हुए हैं और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे आयोजन जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है तब तक ऐसे अनुष्ठान नहीं किया जाता है, क्योंकि अनुष्ठान से ही जन कल्याण समाहित है। आगे की मैं हमारे सर्व संप्रदाय संत संस्थान के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य ब्रह्मचारी श्री गुलाबदास जी से निवेदन करता हूँ कि आप अपना उद्बोधन दें। समस्त श्रोतागणों को इस बलीचा धाम मेवाड़ के उपासक परम श्रद्धेय आरपी सिंह आकवा के गादीपति संस्कार आयोजन में पधारे समस्त गणमान्य अतिथियों और मेरे अग्रज सर्व संत समाज के अध्यक्ष परम श्रद्धेय इंद्र देवदास जी और उस समस्त उस संत मंडली में मेरे अग्रज परम श्रद्धेय राम स्नेही के बहुत ही मेरे आदरणीय दयाराम जी, महाकालेश्वर भगवान के उस मनसा पूर्ण दक्षिणमुखी हनुमान जी के पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय प्रवीण जी और मेरे बहुत ही श्रद्धेय परम श्रद्धेय कल्लाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष परम पूजनीय नारंदा जी और समस्त श्रोतागणों को मैं बहुत बहुत राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद देता हूँ। मेरा इस बलीचा धाम में मेरा आना ये पहली बार मेरे पूज्य महात्माओं के साथ हुआ है। सज्जनों, बड़ा हर्ष का विषय कि आज जब हम इस धाम के अंदर प्रवेश किया और हमने भ्रमण करके यहाँ का परिदर्शन किया, सच में हमारे मन में बहुत आत्म शांति का अनुभव हो रहा है। निसंदेह यहाँ पर अनवरत यज्ञ और सुबह से शाम तक यहाँ पर उनका तपस्या चल रही, निसंदेह समाज को बहुत ही हमारे समाज को अच्छी प्रेरणा देगी, ऐसा मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि आप जो भी श्रवण कर रहे हैं आप यहाँ आएंगे, निसंदेह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम श्रद्धेय राम स्नेही के दयाराम जी से निवेदन करूँगा कि अभी दो वक्त शब्द अपने मुखारविंद से कहें।